In the case of defective investigation, the court has to circumspect in evaluating the evidence, but it would not be right in acquitting an accused person solely on account of the defect. To do so would tantamount to playing into the hands of investigation officer if the investigation is designedly defective. जितने इस देश के न्यायप्रिय नागरिक है, वो चाहे सुशांत सिंह का केस हो या अन्य कोई केस हो, ये बात समझ ले, पुलिस ने सीबीआई ने प्लान करके डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन किया, इसकी वजह से क्लीन चिट भी दिया अगर किसी आरोपी को, जरूरी नहीं कि वो बच जाए। और इसका आपको बेस्ट एग्जांपल अगर देखना है, आरुषि तलवार का आपको केस पता होगा, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था, कहा था कि हमारे पास उसमें कुछ क्लू मिल नहीं रहा है, कौन आरोपी है पता नहीं चल रहा है, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट किया, कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू प्रोसेस किया, उनके मदर और फादर को आरोपी बनाया और दोनों को जेल भेजा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह उनका अर्जी रिजेक्ट हुआ। तो इस केस में जो कोई न्यायप्रिय नागरिक और सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन है, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी गलतियां ये करेंगे, लेट देम सबमिट रिपोर्ट। पहली चीज पॉसिबिलिटी कम है, इतना सब ये अदालत की कार्रवाई देखने के बाद पॉसिबिलिटी कम है कि आरोपियों को क्लीन चिट दी जाए। क्योंकि ये उस अधिकारी का सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। अगर इस सबूत को वो झूठा साबित करेगा तो उस अधिकारी का फिर कानून में इस देश की जनता क्या हाल करेगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के बेस पे आरोपी नहीं बच पाएंगे और डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी भी नहीं बच पाएगा। यस प्रोसीड सर। आई वुड लाइक टू एंड माय आर्ग्यूमेंट्स, और मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये साफ जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चनेबल है, एंड इवन इफ द फैक्ट्स आर ट्रू, सीबीआई हैज नॉट सबमिटेड एनी क्लोजर रिपोर्ट टू द कोर्ट। ऐसे मामले में कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लिया तो देयर इज ओनली वन क्वेश्चन रिमेनिंग, Will the citizens be able to trust the pillars of democracy? Brilliant. Much up. Thank you. Advocate Pooja Shah. Sir, may I proceed with the permission of this court? Yes, yes. Sir, prosecutor ne kahi evidence dikhaya hai yahan pe, but CBI ne abhi tak koi bhi action nahi liya hai. मैं सबसे पहले हमारे मीडिया का, फैंस का, यूट्यूबर्स का और जो भी एक्टिविस्ट है जिन्होंने ये काम करने के लिए इतना कुछ किया है, हमें पब्लिक में दिखाया है, सबके इवन सीबीआई के पास ये बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल है, तो उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सल्यान को और कई छोटे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहे है उसके बारे में आवाज उठाई है। ये कोई आम बात नहीं है। और एक ऐसा ही किस्सा, मतलब जो इतने सबूत आप देख पा रहे हो जिसके बेस पे एक अच्छा केस हम बना पा रहे हैं, इसका पूरा श्रेय उन सारे मीडिया को जाता है, न्यूज 18, न्यूज एक्स, रिपब्लिकन भारत, जितना मीडिया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और जो सुशांत सिंह राजपूत का फैंस का क्लब जो है, ये सभी लोग, इन लोगों को एक क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने निडरता से और अन्याय के खिलाफ जो उनके दिल में गुस्सा था उसको उन्होंने चैनलाइज किया और ये सबूत आज अवेलेबल है, लोगों को समझ में आया। ये बात और थी कि सीबीआई के अधिकारियों की नाकामी की वजह से ये मामला 3 साल से खींचा जा रहा है, लेकिन आज जो भी कुछ अवेलेबल है उसका धन्यवाद अदा करना
बहुत जरूरी बनता है, प्रोसिक्यूटर भी करता है, कोर्ट भी उनका धन्यवाद अदा करती है ताकि ये बातें आ सकी। इसके अलावा आपको पता है कि इसके पहले जो आर के आनंद का जो केस था जिसमें एनडीटीवी के रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जो गरीब लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी दिल्ली में, तो उस केस का जो स्टिंग ऑपरेशन था कि प्रोसिक्यूटर को मैनेज विटनेस को मैनेज करके आरोपी को बचाने का जो प्रयास चल रहा था उसको स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज किया, उसमें सीनियर काउंसिल आर के आनंद को सजा हुई, उनका सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन निकाल लिया गया और उस जजमेंट में हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही मीडिया का धन्यवाद अदा किया था जैसा कि आज हम कर रहे हैं। यस मैम, हम जो यहाँ पे कई जनता है बैठी है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी देख रही है, हम सब वेट कर रहे हैं कि कब सीबीआई ये केस में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे या चार्जशीट फाइल करे या मुजरिमों को बाहर लाए। 3 साल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था 19 अगस्त 2020 को रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। यस, आई लाइक टू प्ले द May I read this? Yes, yes. In para 44, the Supreme Court has said that the actor Sushant Singh Rajput was a talented actor in the Mumbai film world and died well before his full potential could be realized. His family, friends and admirers are kindly waiting the outcome of the investigation so that all the speculation floating around can be put to rest. और यहाँ पे हम गौर करेंगे, therefore a fair, competent and impartial investigation is the need of the hour. The expected outcome then would be a measure of justice for the complainant who lost his only son, जो सुशांत सिंह के पिता है, उनका ये एक ही बेटा था, उन्होंने ये बेटे को गवा दिया है, क्योंकि लिए हमारे प्रोसिक्यूटर ने कितने एविडेंसेस बताया है कि पेन ड्राइव दिया है नितेश राणे जी ने सीबीआई को, बट अभी तक सीबीआई ने कुछ उस बारे में बोला नहीं है। हम सारी जनता हम वेट कर रहे हैं कि कब वो कुछ बोले ये केस में, कब उनका रिपोर्ट सबमिट करे, चार्जशीट सबमिट करे। और एक इस पैरा का आगे का और 5-6 लाइन है, आपने नोट किया है और यू कैन रीड फ्रॉम दिस। इक्वली इंपॉर्टेंटली व्हेन इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज डिस्क्रिनेबल द ट्रस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमन मैन इन द जुडिशियल प्रोसेस विल रेस्ट ऑन इट। व्हेन ट्रुथ मीट्स सनशाइन जस्टिस विल नॉट प्रिवेल ऑन द लिविंग अलोन बट आफ्टर लाइफ्स fitful fever. Now the departed will also sleep well. Satyamev Jayate. क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इस प्यारा में? अगर इसमें सच बाहर आएगा, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगा, तो आम आदमी का विश्वास इस देश की न्याय व्यवस्था में बढ़ेगा। और आगे के 2 लाइन और ज्यादा इमोशनल और इम्पोर्टेंट है, उससे इनको ही नहीं, जो सुशांत सिंह जी मतलब इनको छोड़कर जा चुके हैं, उनकी आत्मा भी शांति से सो सकेंगी। वर्ड आप नीचे के गौर कीजिए और आगे वर्ड लिखा है सत्यमेव जयते। अब सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास रखा सीबीआई पे कि आप इस देश की जनता को और सुशांत सिंह की आत्मा को भी आप शांति दिलवाइए, सत्य बाहर लाइए। तो आपका जो ये कहना, इन्होंने आम जनता का और सुप्रीम कोर्ट का भी विश्वास तोड़ा है। यस, प्रोसीड।
सर मैं ये कोर्ट से पूछना चाहूंगी कि हमारी जुडिशरी और कोर्ट से पूछने से बेहतर कोर्ट के माध्यम से सबको पूछना चाहिए। यस जी, यस हमारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की क्रेडिबिलिटी, क्या हम उन पे रिलाई कर पाएंगे? क्या जनता उन पे ट्रस्ट कर पाएगी? इतना कुछ एविडेंस अवेलेबल है बट फिर भी कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया। जैसे कि हमारे एडवोकेट स्नेहल मैम ने बताया है कि जसिका लाल के केस में सुओ मोटो एक्शन लिया गया। यहाँ पे दिशा सालियान जिसका गैंग रेप्ड हुआ, जिसका मर्डर हुआ, उसको ऊपर से नीचे नेकेड फेंका, बट अभी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी ने कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया है। ये अन्याय हो रहा है उनके साथ। हम जानना चाहते कि क्यों इन पे क्या दबाव है ऐसा, उनका उनको क्या पैसे दिए गए हैं कि वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। आपके सवाल का जवाब जजमेंट में दिया जाएगा। ये इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ के जो लोग हैं वो उसके मालिक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाया गया है ताकि वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो यहाँ का लोगों का वेलफेयर कहाँ हो रहा है? अगर ऐसे ही अन्याय होते जाएंगे तो हम जनता कैसे कोर्ट को ट्रस्ट कर पाएगी? हमें सिर्फ यहाँ पे डेट्स मिलती है या तो हमारी कोर्ट हमें सिर्फ ये बोलती है कि हम ओवर बर्डन है, तो हमारी कोर्ट इसका कुछ करती क्यों नहीं है? हाँ देखिए कैसा है, सब मामले में तो नहीं है, कुछ मामले में जजेस बेचारे एक्चुअली ओवर बर्डन है, मेहनत से काम कर रहे हैं। कुछ मामले में आपका आरोप सही है, सिलेक्टेड मैटर लिए जा रहे हैं, सिलेक्टेड मैटर नहीं लिए जा रहे। जैसा कि बार बार पूरे सोशल मीडिया पे आवाज उठ रही कि मणिपुर का कॉग्निजेंस लिया, वेल एंड गुड, बाकी केसेस का क्यों नहीं? सर ये भी तो इम्पोर्टेंट केसेस है, मेरा कहने का मतलब ये है। यस उसका और उसका विश्लेषण मैं अपने जजमेंट में जरूर करूंगा। ऑल्सो कि हॉनरेबल कोर्ट ने जस्टिस पुंची ने उनके ऑर्डर में दिया गया था स्पेंसर एंड कंपनी वर्सेस विश्वदर्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मैं कोर्ट को ये देना चाहूंगी। यस yes.